हेलो एवरीवन, इसके पहले का न्यूमेरिकल हमने देखा था, 1.1 हमने डिस्कस किया. नाउ लेट अस कंसीडर दिस सेकंड वन. तो देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज चार्ज 0.4 माइक्रोकुलम ड्यू टू माइनस 0.8 माइक्रोकुलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन. फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी, दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो यहाँ चार्जेस बिटवीन फोर्सेस की बात हो रही है. चार्जेस ड्यू टू चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात हो रही है, मतलब दैट इज कूलम फोर्सेस. तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ठीक है, सो वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू 1/4π ε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, आपको जैसे कूलम कांस्टेंट हम यहाँ पे, यानी कूलम कांस्टेंट हम की वैल्यू जो होती है 9×10⁻¹ हम SI सिस्टम में लेते हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस भी आपका किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए. फोर्स आपका जो कैलकुलेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो न्यूटन में दिया हुआ है. ठीक, तो सारे SI सिस्टम में लेके चलते हैं. ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, दैट इज यहाँ पे आपने वैल्यू पुटअप किया 0.2 न्यूटन 1/4π ε0 दैट इज अ कूलम कांस्टेंट. सो 9×10⁻¹. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 इज 0.4 माइक्रोकूलम. ओके, माइक्रो मतलब 10⁻⁶. Q2 की वैल्यू है आपके पास 0.8×10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू फॉर आर. वी हैव टू कैलकुलेट इट विथ रिस्पेक्ट टू आर. तो ये आ जाएगा आपका 9×10⁻⁹ × 0.4×10⁻⁶ × 0.8×10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.2. चलिए इसके आगे का कैलकुलेशन करते हैं. ठीक, सो यहाँ पे आपका 0.2×0.2 इसके बाद कैलकुलेट हम कर लेते हैं थोड़ा सा. 9×, अगर न्यूमरल्स को मैं देखूंगी तो ये आपका आ रहा है 1.6. ठीक है, 10⁻²⁻² आ रहा है, × 10⁻⁹ आ रहा है. ओके, सो इसको लिख लेते हैं 9×16×10⁻³⁾ आ रहा है. माइनस थ्री को हमने माइनस फोर कर दिया बिकॉज ऑफ दिस माइनस 1.6. ठीक, तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट इज आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, इसका आप रूट ले लीजिए. ठीक है, 9×16×10⁻⁴. तो इजिली जो भी टर्म आपके स्क्वायर में है ना, उसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं. तो इट बिकम 3×4×, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10⁻²⁻. मतलब आर की जो वैल्यू आई है दैट इज 12×10⁻²⁻ मीटर. ठीक है, और इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, आर की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर है ना. डिस्टेंस बिटवीन जो चार्जेस आपका आया है वो आपका 12 सेंटीमीटर आया. नाउ कंसीडर द सेकेंड वन, दैट इज व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज. यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं. सपोज ये आपका डायग्राम है, दिस इज योर फर्स्ट चार्ज Q1, दिस इज योर सेकेंड चार्ज Q2. ठीक है, अब देखिए ये आपका फर्स्ट जो चार्ज था वो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका निगेटिव चार्ज.
तो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। सिमिलरली यहां पे Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F12। तो आपके जो दोनों जो फोर्सेस होते हैं ना, वो आपके बेसिकली केवल उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन आपकी क्या होती है, अपोजिट होती है, बट मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड आंसर है, दैट इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इज इक्वल्स टू, उसका केवल डायरेक्शन चेंज होगा और जो आपका -2 न्यूटन आपका दिया हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा, +0.2 न्यूटन। थैंक यू।